Hi friends, I am Dr. Samkit Shah from Urmil Skin Clinic. Under eye cream कैसे लगाना है उसके मेन तीन या चार पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी आप अंडर आई क्रीम या सीरम अप्लाई करते हो तो आपको घिसना नहीं है, ऐसे दबा के नहीं करना है और हमेशा रिंग फिंगर जो थर्ड फिंगर होती है वही यूज़ करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, कहाँ पे लगाना है अंडर आई क्रीम, आपको आपका बोन फील करना है, जो ये बोनी पॉइंट होता है ना परफेक्ट उसके ऊपर लगाना है, ऐसे 1 2 3 4। अगर आप ऊपर की तरफ भी क्रीम लगा रहे हो तो आपको ये बोनी पॉइंट के अंदर की तरफ यहाँ पे जहाँ पे बोन फील हो रहा है वहाँ पे लगाना है। आँखों के नज़दीक नहीं जाना है, आप आई लैशेस के नज़दीक जाओगे तो वो क्रीम आँख में जाके आपको इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले कौन सा फिंगर यूज करना है? नॉर्मली कभी भी आपको अंडर आई क्रीम लगानी है तो आपको आपका रिंग फिंगर यूज करना चाहिए, बिकॉज ये सबसे वीकेस्ट फिंगर होता है। इससे क्या फायदा होता है कि आपके आंखों पे प्रेशर नहीं आता है। क्वांटिटी जो या मात्रा, कितनी मात्रा में क्रीम लेना चाहिए, तो ये देखिए आपको बस इतनी मात्रा में क्रीम लेना है, बहुत ही हल्का सा एक सिंगल ड्रॉप जो हम बोलते हैं उतना ही लेना है और इतनी ही क्वांटिटी में क्रीम आपको लगाना है। रिंग फिंगर यूज करना है और इतनी छोटी सी मात्रा में क्रीम लेना है, ये एक आग के लिए इतना क्रीम काफी है। अंडर आई क्रीम लगाते समय आपको पहले आपके बोन्स को फील करना है। ये बोन को एक बार फील कर लोगे तो उसके अंदर के साइड से क्रीम को पहले टैप करना है ऐसे। एक बार आपने क्रीम को टैप कर दिया फिर हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे करके उसको थोड़ा सा मसाज कर दीजिए एकदम हल्के हाथों से, बस डन। अभी मैंने आपको दिखाया कि अंडर आई क्रीम कैसे लगाना है। अंडर आई क्रीम के और भी फॉर्मुलेशंस होते हैं। एक होता है सीरम, जो सेम क्रीम की तरह ही लगाना है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसका हल्का सा एक छोटा सा बूंद लेना है और सेम क्रीम जैसे लगाना है वैसे ही लगा लेना है। एक और फॉर्मुलेशन होता है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, वो होता है रोलर या रोल ऑन, जो हम आपको अभी दिखाएंगे कैसे लगाना है। ये रोलर है, आपको उसको भी बाहर से अंदर की तरफ आना है। हल्का सा यहाँ पे पहले थोड़ा रोल कीजिए, यहाँ थोड़ा रोल कीजिए, यहाँ थोड़ा रोल कीजिए, यहाँ थोड़ा रोल कीजिए, इस तरह से कर दीजिए बस। और फिर हल्के हाथ से आपकी रिंग फिंगर से हल्के हाथों से ऐसे एक या दो बार राउंड मोशन करके उसको छोड़ देना है। घिसना नहीं है, रब नहीं करना है बिल्कुल भी।